दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी कि गुरुवार कल एक्सपायरी है दोस्तों, वीकली एक्सपायरी है। कल के दिन 4th अगस्त को मार्केट किस तरह का मूवमेंट दे सकती है, क्या लेवल होने चाहिए, स्टॉप लॉस एंट्री और टारगेट क्या होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए, तभी आपको सारे लेवल समझ में आएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं लाइव अपडेट देती रहती हूँ, लाइव मार्केट एनालिसिस, कैंडल एनालिस्टिक और चार्ट पैटर्न एनालिसिस जब भी बनते हैं मैं बताती रहती हूँ आपको एनालिसिस करके। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो और मार्केट से कुछ सीखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर आ जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। दोस्तों वीडियो में सिर्फ एनालिसिस नहीं बता रही हूँ, मैं आपको कुछ सिखा भी रही हूँ जो आपको लाइव मार्केट में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है खुद से ट्रेड करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख के एक भी पार्ट मिस मत कीजिए। मेरी वीडियोस देख के आप धीरे धीरे मार्केट सीखने की कोशिश कीजिए, किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर सकती है, किस तरह से मार्केट का अगला मूवमेंट हो सकता है, लेवल क्या हो सकते हैं, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट क्या हो सकता है, ये आप खुद से एनालिसिस करना सीख जाओगे। जैसे ही आप मेरी वीडियोस देखोगे धीरे धीरे आप सीख जाओगे। किन किन पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए ये सारी बातें मैं आपको सिखाती रहती हूँ वीडियो में, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है और फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दिया है। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है बैंक निफ्टी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो देखिए यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश की मार्केट ने, फिर मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डाउन साइड आने की कोशिश की, फिर अप ट्रेंड में चला गया और फिर से डाउन साइड आने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन फिर से मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में ही जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो हो सकता है कि मार्केट कल भी अप ट्रेंड में ही रहे, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी मार्केट डाउन साइड आने की कोशिश की, लेकिन ट्रेंड लाइन से अप ट्रेंड में चला गया। अप ट्रेंड में जाने के बाद फिर से मार्केट ने ट्राई किया कि डाउन साइड आने के लिए, लेकिन फिर से ट्रेंड लाइन को टच करके अप ट्रेंड में चला गया। तो हो सकता है कि मार्केट कल भी अप ट्रेंड में रहे, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है दोस्तों हमारे पास स्पेस है जाने के लिए। मार्केट के पास जो है 38,700 का यहाँ तक स्पेस है मार्केट के पास जाने के लिए। तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक ऊपर तक अप ट्रेंड दिखा सकता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हर एक सपोर्ट पे बाइंग आ रही है, जहाँ पे सपोर्ट बन रहा है वहाँ से बाइंग आ रही है। तो मार्केट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, अप ट्रेंड में ही जाना चाहता हूँ, डाउन ट्रेंड में नहीं आना चाहता। तो ये छोटे छोटे जो लॉजिक होते हैं वो आपको मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ हर एक वीडियो में, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप एक भी पार्ट मिस मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ समझ पाए, कुछ सीख पाए मार्केट के बारे में, मार्केट क्या कहना चाहती है। आज के दिन दोस्तों आप देख पा रहे हैं फिर से मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए, लेकिन सेलर्स इतने एक्टिव नहीं थे और बायर्स फिर से मार्केट को अप ट्रेंड में लेके गए। अगर आज किसी ने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला होगा, मेरे ख्याल से 30-40 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मिला होगा मार्केट में। मैंने तो ट्रेड नहीं लिया था आज, क्योंकि मुझे पता था आज मार्केट ज़्यादा मूवमेंट देने वाला नहीं है, तो मैंने आज ट्रेड नहीं लिया था और मुझे कुछ काम भी था तो मैं आज ट्रेडिंग नहीं कर रही थी। लेकिन जिसने भी ट्रेडिंग किया होगा उनको पता होगा कि यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले आज के दिन में। लेकिन अब कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है, कल के दिन अगर दोस्तों मार्केट फ्लैट या गैप, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें क्या करना, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, जो लेवल है 38,180 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद ऊपर आप 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट ले सकते हैं, या 1:2 आपको जैसे भी प्रॉफिट लेना है आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ऊपर स्पेस है मार्केट के पास जाने के लिए, तो ऊपर मार्केट जा सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो आप प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए और तुरंत आप कॉल बाय कर सकते हैं। देखिए ये मैं क्यों बता रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं सेलर्स, जो शॉर्ट सेलर्स हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, और जैसे ही ये मार्केट यहाँ से
ब्रेक होके प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये जो हैं सारे के सारे शॉर्ट सेलर हैं वो बायर्स में तब्दील हो जाएंगे और यहाँ से फास्ट मूवमेंट आएगा बैंक निफ्टी में ऊपर जाने के लिए। तो इसीलिए हमें तुरंत यहाँ पे कॉल बाय करना है और हमारा जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ जो मैंने बताया आपको 38,700 का, ये हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है अपसाइड के लिए। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप और 1:2 का टारगेट लगा सकते हैं या फिर ये टारगेट तक भी आप जा सकते हैं जो मैंने बताया 38,700 का। अब मान लीजिए दोस्तों कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके या थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होके नीचे आने की कोशिश करती है तो हमें पुट साइड कब जाना है? पुट साइड आपको तब जाना है दोस्तों जब मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी और प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे आने की कोशिश करेगी। ये सपोर्ट को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती है आपको पी साइड नहीं जाना है। पी साइड के लिए कल के लिए कम ही सोचना है दोस्तों आपको, क्योंकि पी साइड मार्केट जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। इसलिए अगर पी साइड मार्केट जाती है, डाउन साइड जाती है, तो आप सोच समझ के ट्रेड लीजिए। जब तक इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक नहीं करती है तब तक आपको पी साइड नहीं जाना है। ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए। प्राइस एक्शन बनने के बाद आप एंट्री ले सकते हो। एंट्री लेने के बाद आपका पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 37,462 का और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 37,255 का। ये दोनों ही सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के लिए। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, 1:2 का टारगेट लगाइए या फिर सपोर्ट तक का टारगेट आप ले सकते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, इस रेंज में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। तो इस रेंज को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती तब तक आपको पी साइड नहीं जाना है कल के दिन के लिए। कल एक्सपायरी भी है, प्रीमियम फटाफट डिके होगा आपका। अगर मार्केट इसी रेंज में सस्टेन कर रही है, समझ लीजिए इसी रेंज में सस्टेन कर रही है, तो आपको कोई भी पुट साइड या कॉल साइड एंट्री नहीं लेना है। जब तक मार्केट प्राइस एक्शन बना के मूवमेंट नहीं दिखाती तब तक आपको कोई भी एंट्री नहीं लेना है। मैं पी साइड आपको नहीं जाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड करे और आपका प्रीमियम जो है वो डीके होता रहे। इसलिए मैं आपको पी साइड के लिए ज़्यादा सोचने के लिए नहीं बोल रही हूँ कल के लिए। कल अगर आप पी साइड ट्रेड लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए। अब हम देखते हैं कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो के अगर यहाँ पे कोई मार्केट बुलिश कैंडल बनाती है, इस तरफ ऐसी कोई कैंडल बनाती है बुलिश वाली, बुलिश कैंडल बनने के बाद हमें 15 मिनट का वेट करना है, 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो गई, दूसरी या तीसरी कैंडल जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगी, बुलिश कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:2 का या फिर आप 38,180 का भी टारगेट लगा सकते हैं बैंक निफ्टी में। बुलिश कैंडल बनने के बाद प्राइस एक्शन अगर बनता है तो प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। प्राइस एक्शन बनने के बाद आप एंट्री लीजिए। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे मैंने टारगेट आपको बता दिए हैं जो कल के लिए होने वाले हैं कॉल साइड के लिए। 40-50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कल के लिए अप साइड जाने के लिए और फिर टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होती है थोड़ा सा, तो हमें क्या करना है? जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग हो गई, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनाती है, समझ लीजिए इस तरह की कोई कैंडल बनाती है बेरिश, ये क्या हो रहा है, इस तरह की कोई बेरिश कैंडल बनाती है और फिर से 15 मिनट का हमें वेट करना है। यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होगी, दूसरी या तीसरी कैंडल जैसे ही 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक करेगी, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 37,462 का। ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप 40-50 पॉइंट का और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा 37,255 का। आपको प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है। यहाँ पे जैसे ही प्राइस एक्शन बनेगा आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद दोनों टारगेट आप अचीव कर सकते हैं अगर दोनों टारगेट बैंक निफ्टी देती है तो। पी साइड के लिए कल के लिए कम ही सोचिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, पी साइड जाने के चांस बहुत ही कम लग रहे हैं। देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी में क्या लेवल होने वाले हैं कल के लिए। तो देख सकते हैं आप निफ्टी भी आज अच्छी रिकवरी दिखाई है। निफ्टी ने 17,383 तक की रिकवरी मार्केट ने दिखाई है निफ्टी में।
तो कल के दिन अगर निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग होके या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होके अपसाइड जाने की कोशिश करती है, प्राइस एक्शन बना के फिर से अपसाइड जाने की कोशिश करती है, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। ये हाई ब्रेक होने का वेट कीजिएगा आप, जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है आप एंट्री ले सकते हैं। और पहला टारगेट जो रहेगा हमारा 17,465 का रहेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन के निकल के आ रहा है दोस्तों कल के लिए। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आप सी साइड जा सकते हैं अगर प्राइस एक्शन बना के निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करती है तो, या 1:2 का रेशियो लगा सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस तक आप वेट कर सकते हैं। अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है, समझ लीजिए यहाँ से ओपनिंग हो जाती है और यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनाती है, बुलिश कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे आपको 15 मिनट का वेट करना है। जैसे ही बुलिश कैंडल को दूसरी या तीसरी कैंडल ब्रेक करेगी हमें एंट्री लेना है। एंट्री लेने के बाद आप 1:2 का रेशियो लगा सकते हैं, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ आपका और 1:2 का प्रॉफिट रहेगा। समझ लीजिए निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग हो के डाउन साइड आने की कोशिश करती है, एक बैरिश कैंडल बनाती है, तो आपको बैरिश कैंडल ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही बैरिश कैंडल को ब्रेक करेगी दूसरी या तीसरी कैंडल और प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे आने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है निफ्टी इस लेवल से दोस्तों फिर से रिकवरी दे दे इस तरह से। तो आपको यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनने का वेट करना है, यहाँ ये लेवल तक हमें वेट करना है, जो लेवल है यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है आज का वहाँ तक हमें वेट करना है। ये सपोर्ट की तरह कल काम कर सकता है हमारे लिए, तो जैसे ही निफ्टी नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाती है तो हमें ये लेवल तक वेट करना है। हो सकता है यहाँ से निफ्टी कल के दिन रिकवरी दे दे अपसाइड। अगर निफ्टी कल के दिन बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो बड़ी गैप अप ओपनिंग होने के बाद जैसे ही बेरिश कैंडल बनाएगी 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल जैसे ही ब्रेक होगी, दूसरी या तीसरी कैंडल जैसे ही ब्रेक करेगी 15 मिनट की कैंडल को, प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है। प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ पे हमें एंट्री लेना है। एंट्री लेने के बाद हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा, यहाँ तक का आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कल के दिन में निफ्टी में। अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है और बेरिश कैंडल बना के नीचे आने की कोशिश करती है निफ्टी, तो ऊपर आप 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 1:2 का टारगेट भी लगा सकते हैं, या फिर ये सपोर्ट का आप टारगेट लगा सकते हैं अगर निफ्टी नीचे आने की कोशिश करती है कल के दिन में। तो मान लीजिए निफ्टी कल गैप डाउन ओपनिंग हो गई, नीचे आने की कोशिश करती है, बेरिश कैंडल बनाती है कल के दिन में, तो हमें क्या करना है, जैसे ही बेरिश कैंडल बनेगी इस तरह से, बेरिश कैंडल बनने के बाद आपको वेट करना है 15 मिनट का वेट करने के बाद जैसे ही निफ्टी यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगी, 15 मिनट के कैंडल को ब्रेक करेगी दूसरी या तीसरी कैंडल, हमें यहाँ पे वेट करना है। यहाँ से प्राइस एक्शन बना के अगर निफ्टी अपसाइड जाने की कोशिश करती है तो हम सी साइड जाएंगे, और यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है तो हम पी साइड जा सकते हैं। और पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा जो मैंने आपको बता दिया, 17,210 का टारगेट है। ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं निफ्टी में अगर निफ्टी पी साइड आने की कोशिश करती है प्राइस एक्शन बना के। तो और दूसरा जो दोस्तों हमारा टारगेट निकल के आ रहा है यहाँ पे निफ्टी में वो है ये वाला जो लेवल है वो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। लेवल मैं आपको नोट ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है, यहाँ पे दूसरा वाला 17,166 का सपोर्ट है, यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हैं। लेकिन पी साइड आप कल कम ही सोचेगा दोस्तों, बहुत ही रिस्की रहेगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, फटाफट आपके प्रीमियम जो है वो डीके होने लग जाएंगे। अगर मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया और सस्टेन करती रही यहीं कहीं पे, समझ लीजिए यहाँ पे गई पे डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे ही सस्टेन करती रही, तो आपका प्रीमियम बहुत डीके हो जाएगा और आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो पी साइड आप कम ही सोचेगा कल के दिन, अगर मेरी माने तो आप पी साइड बहुत ही कम सोचेगा। अगर कल के दिन ये दोनों लेवल के लिए आप जा रहे हैं तो ऊपर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और ये दोनों लेवल आपके टारगेट रहेंगे, या 1:2 का टारगेट लेके भी आप निकल सकते हैं। ये जो दोस्तों आप लेवल देख रहे हो यहाँ पे, ये जो लेवल है वो 3 बार ट्रेस हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 1 बार, 2 बार और ये 3री बार ट्रेस हो चुका है, तो ये लेवल जो है वीक हो चुका है। तो यहाँ से अगर निफ्टी ब्रेक होके प्राइस एक्शन बना के नीचे आने की कोशिश करती है तो आप पी साइड यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। 1:2 का टारगेट लगाइए या फिर अपने सपोर्ट तक का टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस मैंने आपको बता दी, लेवल सारे के सारे बता दिए, नोट डाउन करके रख लीजिए, सारे के सारे लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के लिए। लाइव मार्केट में एनालिसिस सीखने के लिए आ जाइए टेलीग्राम पे सारे अपडेट मैं देती रहती हूँ। जैसे ही मार्केट में कोई मूवमेंट आता है तो मैं टेलीग्राम पे तुरंत अपडेट दे देती हूँ।
इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।